सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप सब लोग? होप यू ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआ से गिर रहा हूँ। तो मेरा नाम है शेख परवेज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जो कोई मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखे जिसमें अपन सदरलैंड रिलेटेड डिटेल वीडियो डाले थे कि हाउ टू क्रैक इन सदरलैंड इंटरव्यू, टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह पूरा डिटेलली एक्सप्लेन करा था मैं। तो जो कोई भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, मेक श्योर टू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं मैं। सो कमिंग टू द टॉपिक गाइस, आज के वीडियो में अपन एक किर्राक प्लेस जाने वाले हैं। सो वो प्लेस का नाम रिवील करने से पहले आप लोग ये रील देख लो। सो टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ये रील फर्स्ट टाइम देखा था ना, आई एम लिटरली शॉक। एम ए को ये जो रहता आइलैंड की तरह दिखा था गाइस, समुंदर के बीच में जो आइलैंड रहता, पानी के अंदर माउंटेन्स वगैरह रहते ना, वैसा मेरे को दिखा था। ये प्लेस के बारे में बहुत सारा रिसर्च करा मैं, मगर ये प्लेस एग्जैक्टली नहीं मिल रही थी कहाँ है बोलकर। यूट्यूब में देखा, रील्स में देखा, गूगल में देखा, मगर ये प्लेस का नाम अननोन है। लाइक वी कैन कॉल इट एज अ हिडन जेम ऑफ हैदराबाद। सो बहुत सारे लोगों को ये प्लेस के बारे में नहीं मालूम है। फाइनली जाकर मेरे को मालूम हुआ कि ये प्लेस जो रहता ना हैदराबाद नहीं है बोलकर। सो मेरे थोड़े फ्रेंड्स रहते गाइस अत्तापुर के पास, राजेश, दीपक और अश्विन बोलकर मेरे डिग्री के फ्रेंड्स है। तो उन लोगों को मैं ये रील भेजा था पूछने के लिए कि ये प्लेस मालूम है या नहीं, एंड देयर रिएक्शन इज लाइक भाई ये प्लेस मालूम है, हम लोग दो तीन बार गए, किर्राक प्लेस है बोलकर वो लोग बोले। सो मेरा मेहनत कम हो गई, मैं खुश हो गया, जानते रहे भाई फाइनली मेरे को ये प्लेस मिला बोलकर। सो बेस्ड अपॉन दैट आई हैव डिसाइडेड कि ये प्लेस पे अपन जाएंगे, जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे खाली वीडियो में अच्छा दिख रहा क्या या रियलिटी में भी किर्राक प्लेस है या नहीं, एंड फोटोशूट वगैरह वीडियो वगैरह कैसा रहता पूरा वहां जाके मैं पूरा डिटेल एक्सप्लोर करता हूँ गाइस। एंड ये वीडियो में आपको मैं रूट भी बताता हूँ कि आप लोग भी ये प्लेस में कैसा जा सकते, ठीक है ना। सो मेक श्योर करो आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सो आज है मेरा वीक ऑफ गाइस। सो अभी कुछ अराउंड लेवल 30 12 हो रहा। सो मैं जो रहता ना 12:30 ऐसा मेरे घर से फ्रेश अप होकर 12:30 मेरे घर से निकलता हूँ। यहाँ से मेरे को जाने का है मल्लेपल्ली के पास, मल्लेपल्ली से थोड़ा आगे गया वहाँ पे राजेश भाई का घर है, राजेश भाई को पिकअप कर लेके वहां से मेरे को डायरेक्टली जाना है अत्तापुर। वहां पे दीपक और अश्विन भाई मिल जाते, जैसे हम लोग फोर मेंबर्स कंबाइन हो जाते ना वहां से अपन की जर्नी शुरू करेंगे अपन ये प्लेस के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अभी जो रहता मैं फ्रेश अप हो गया, तो अभी जो रहता हेलमेट को ये माउंट वगैरह लगा लिया। तो अभी यहाँ से मैं डायरेक्टली राजेश भाई के घर को जा रहा हूँ। जैसे राजेश भाई को उधर जाकर मैं उनको पिकअप कर लेके मैं अभी जोहर की नमाज पढ़ लेता हूँ। तो देखते रहो वीडियो आप लोग। सो फाइनली गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ टैंगमेंट के पास। अभी आप लोग देख सकते हैं रानीगंज के पास कुप्पा ट्रैफिक थी गाइस, दमदम हो गया। सो अभी ऑलमोस्ट 1 हो गया देखो। तो अभी मेरे को एग्जैक्टली नामपल्ली के आगे कारवान के पास जाना है मेरे को, वहाँ पे राजेश भाई को पिकअप करेंगे अपन। सो देख सकते हैं धूप भी बहुत किर्राक है गाइस, रोज़ा हूँ मैं, रोज़ा रह के ये धूप में फिरना पड़ रहा वीडियो के चक्कर में। खैर मसला नहीं है, वीडियो के लिए इतनी मेहनत तो अपन को करना पड़ता। सो देखते रहो राजेश भाई के घर में जाके मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अभी जोहर की नमाज पढ़ लिया मैं। सो फाइनली गाइस, अभी मैं हूँ 145 पिल्लर नंबर के पास। सो अभी अश्विन और दीपक आ गए थे, तो हम लोग चार जने मिलकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिए। सो एग्जैक्टली यहाँ से अपना स्पॉट जो जा रहे हैं यहाँ से एग्जैक्टली 12 किलोमीटर बता रहा गाइस, एंड वो प्लेस का नाम भी मैं अभी रिवील कर देता हूँ। वो प्लेस का नाम है मानसा हिल्स, जो कि अभी राइट नाउ राजेंद्र नगर के पास है। गए राजेंद्र नगर गए बाद उधर से अपन को अंदर गली में लेकर ऑफ रोडिंग कर 3-4 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करना है, जब जाकर अपन वो स्पॉट पे पहुंचते हैं गाइस, ठीक है ना। सो अभी मेरी गाड़ी के पीछे राजेश भाई बैठ के, एंड सामने जो रहता दीपक और अश्विन दूसरी गाड़ी पे है। सो चलो अभी अपन जाएंगे वहाँ पे। आप लोग ये वीडियो देखो, आप लोगों को आइडिया आया था एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है बोलकर, देखते रहो आप लोग। सो गाइज, अभी यहाँ से 10 मिनट्स का रास्ता है, पूरे माउंटेन्स वगैरह शुरू होते हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे रहेंगे वो, देखेंगे, देखते रहो वीडियो आपका। सो गाइज, पर्टिकुलर रोड पे आने के बाद यहाँ पे रास्ता बंद है, आप लोग देख सकते हैं टोटली पत्थरे डाल के पूरा ब्लॉक कर दिए। तो यहाँ से अपन अल्टरनेटिव देखेंगे, दीपक भाई जा रहे देखो, लेट्स सी सक्सेसफुल होता नहीं। चलो आंदो आंदो खत्म।
सो गाइस देख सकते हैं यहाँ साइड से अपन रास्ता बना लिए, होप दैट दिस वर्क्स। चलो भाई आन दो वर्क्स, हो गया वर्क, हो गया खत्म, हो गया वर्कआउट, हो गया चीज, जान दो। चलो गाइस सक्सेसफुल हो गया, आप लोग भी ये साइड की रूट मार ले सकते। चलो अपनी गाड़ी निकालेंगे अपन, तो चलो गाइस अपन भी वो रूट मारेंगे भाई। यहाँ से चढ़ा है अबा बा बा बा। एक मिनट में इधर लग जाते, एक काम करो राइट फाइनली गाइस, अपन निकलने आगे देखो आगे मारो फाइनली। चलो निकल गए गाइस, अपन देख सकते हैं आप लोग बैठ गए राज भाई। चलो चलो ये एक टास्क तो का कंप्लीट हो गया गाइस, होप दैट आगे जाके ऐसे मल्टीटास्किंग चीज़ें नको मिलो हमको। क्या है भाई ये तो देखो गाइस सेकेंड टास्क यहाँ पे मिल गया अश्विन भाई, कम ऑन आन दो। सो गाइस गूगल मैप्स भी यहाँ पे स्टक हो गया, वी डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ है अब ये स्पॉट, फिर भी हम लोग एस्यूम कर रहे हैं कि वहाँ सामने रह सकता, जाके चेक करेंगे एक बार। सो यहाँ ये साइड में है गाइस एग्जैक्टली, OMG देख सकते हैं आप लोग हाँ राइट, वो ऊपर जाने के लिए भी अलग रास्ता है गाइस, पहले अपन नीचे जाके पूरा सीन देख लेंगे, व्यू तो बहुत गिर रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस सामने भी रोड बंद कर दिया, ये मारेंगे देखो एक बार, देखो गाइस वहाँ पे भी रास्ता बंद है पूरा, आप लोग देख सकते हैं पतरे हुए डाल के। अरे कार जा रहा भाई उधर बैठो, इधर लेफ्ट मारे देखो दिख रही कार, कार लेके जा रहा उन्हें। अरे ये खतरों को देख के रास्ता बंद है बोल रहे क्या, लेफ्ट मारे तो नजर बैठो भाई चलो हम आ रहे हैं। हाओ हाओ सो गाइस देख सकते हैं आप लोग का ये पूरा पत्थरे डाल के इधर हम लोग रास्ता बंदे समझे, मगर वो कार को देख के हमको थोड़ा उम्मीद मिली कि हाँ आगे जाने का रास्ता है, आगे कुछ देखने लायक होगा बोलकर। सो चलो लेट्स गो आगे के बाद देखेंगे अपन क्या क्या है इधर। सो सॉरी गाइस वीडियो थोड़ा शेकी आ रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑफ रोडिंग है एंड मेरे फ़ोन में उतना स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो अभी देखो आप लोग करेक्ट व्यू ये है अपना। भाई सही है जी लोकेशन जाएंगे ब्रेक का सही रहना यहाँ पे, मैं वो तो डायरेक्ट अंदर ही जाते गाइस अपन। अरे रे 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 मॉडल है भाई ऊपर खड़ा हुआ, तो गाइस इधर आ रहे तो एट योर ओन रिस्क, कहीं तो बहुत स्लाइडिंग है, गाड़ी के ब्रेक का सही नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता मसला, रोकेंगे भाई यहाँ पे। सो फाइनली गाइस अब भी हम लोग जो है था स्पॉट के ऊपर पहुँच गए। सो आप लोगों को बताया था मैं अपन वो गूगल मैप्स फॉलो करे थे, करने के बाद कितने सारे प्रॉब्लम्स आए अपन को रस्ते में, लिटरली आप लोग आने का सोच रहे तो कम एट योर ओन रिस्क, कहीं तो बहुत ऑफ रोडिंग है एंड बहुत भयानक रस्ते हैं यहाँ के लिटरली, ठीक है ना, फिर भी हमारे दोस्त हुए थे अपन मैनेज कर लिए एंड वो पत्थरों के ऊपर से अपन अल्टरनेटिव रास्ता वगैरह देख कर अपन डायरेक्टली ये स्पॉट पर पहुँच गए। सो अभी आप लोगों को पूरा सीन बताता हूँ यहाँ का, लिटरली आइलैंड के ऐसा दिख रहा गाइस ये, ठीक है ना, तो आप लोग देखो पूरा सीन मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ पूरा, मगर बेस्ट स्पॉट है विजिट करने के लिए आप लोग आपके वीकेंड्स में वगैरह आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी गर्लफ्रेंड को भी ला लो यहाँ पे, मस्त इन्जॉय कर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलो अभी आपको व्यू बताता हूँ पूरा
सो गाइस, ये लोकेशन के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स एंड प्री वेडिंग शूट्स चलते रहते। अभी प्रेजेंटली प्री वेडिंग शूट का ड्रोन व्यू चल रहा है, आप लोग देख सकते। साथ साथ बाहुबली मूवी का एक मूवी सीन यहाँ पे ही शूट हुआ, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ एग्जैक्टली किधर हुआ, देखते रहो आप लोग। सो फाइनली गाइस, यहाँ का पूरा सीन आपको दिखा दिया मैं कैसा है, बोलकर आप लोग देख लो एक बार बैकग्राउंड। सो अभी हम लोग यही सीन पूरा दिखा दिया, अभी आगे हम लोग शूट करने वाले थे मगर यहाँ पे एक प्री वेडिंग शूटिंग चल रही, कहते हैं लोग ड्रोन व्यू वगैरह ले रहे तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा, तो उन लोगों का कंप्लीट हुए जब तक आधा घंटा लगता, कहते जब तक उतना टाइम नहीं है अपने पास, फिर भी ये सीन आप लोगों को बता दे तो मैं देख लो आप लोग का पूरा सही है। किर्राक प्लेस है गाइस, आप लोग आपका वीकेंड वगैरह आके आप लोग सही में एंजॉय कर सकते हैं, किर्राक प्लेस है सही में, फोटोशूट वगैरह भी आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर करो आप लोग आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ विजिट करने के लिए। एंड अभी देखेंगे अपन ऊपर जाने का ऑप्शन है क्या, ऊपर जाके भी ऊपर एक दो तीन सीना ले लेंगे अपन, ठीक है ना। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, अपने दो दोस्त अश्विन और दीपक दोनों यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए, वीडियो शूट चल रहा है उन लोगों का मस्त। अभी अपन को यहाँ से जाना है गाइस, एग्जैक्टली यहाँ से जाके अपन डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे, चलो। सो गाइस, मोस्ट ऑफ द पीपल क्लेम दैट बाहुबली का ये सीन एग्जैक्टली यहीं पे शूट हुआ था, इसमें कितना सच है मेरे को भी नहीं मालूम। सो फाइनली गाइस, अब भी जो रहता ना आपको यहाँ का पूरा सीन बता दिया कि आप लोग इतना ऑफ रोडिंग वगैरह करके इधर अंदर आए तो आपको क्या क्या मिलेगा बोलकर। फर्स्ट सीन जो रहता ना गाइस, यहाँ पे वाटर का पूरा वो सराउंडेड है, लिटरली बीच के ऐसे फीलिंग आ रही गाइस यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख सकते चारों तरफ वाटर्स वगैरह एंड माउंटेन्स वगैरह पूरा घेर के है, तो सीन वगैरह बहुत किर्रा के, आप लोग फोटोशूट किर्रा कर सकते, रील्स वगैरह बना सकते इधर, ठीक है ना। तो मेक श्योर करो आप लोग आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे विजिट करने के लिए, वीकेंड के लिए बेस्ट प्लेस है ये। सो ज़्यादातर लोगों को ये प्लेस के बारे में नहीं मालूम, ऑफ द रिकॉर्ड है ये, एंड ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी अप्रॉक्स कुछ 4:30 हो रहा गाइस। सो अभी अपने पास दो घंटे है, 6:30 को अपन कुछ रोज़ा खोलना रहता है, एंड मेरा घर यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर है, तो अभी अपन यहाँ से निकलेंगे, ये पूरा ऑफ रोडिंग वे कर लेके गए जब तक अपन को 5:30 होता, फिर वहाँ से अपन को अपने घर को जाना पड़ता, फिर दीपक भाई एंड अश्विन भाई राजेश भाई को सबको अपन छोड़ देंगे, छोड़ के अपन घर को राइट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस, देखते रहो आप लोग, लेट टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे हाउ गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया था, दुआ में याद रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, आप सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़।